हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग फ्लेम टेस्ट की बात किए थे, किस मेटल से किस कलर की फ्लेम निकलती है। एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या? यस, कहाँ गया? यहाँ से सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम से रेड कलर की फ्लेम निकलती है, सॉरी लिथियम से रेड कलर की निकलती है, सोडियम से येलो, पोटेशियम से लिलैक। मैं कलर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि दिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ लिस्ट देख के याद नहीं रहता है, कलर दिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। कैल्शियम से रेड कलर, ब्रिक रेड कलर, कॉपर से ग्रीन। सबसे ज़्यादा आराम फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कॉपर का। ग्रीन एकदम बिल्कुल अलग सा ग्रीन कलर इसका दिखता है, अलग तो सभी कलर हैं पर फिर भी ग्रीन को इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है ना। एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का किसी दूसरे का नहीं रहता है। और आयरन का रेड, एल्यूमिनियम का व्हाइट, मैग्नीशियम का इस तरह से चमकदार व्हाइट, डार्जिलिंग व्हाइट। तो मैग्नीशियम और कॉपर ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में, कॉपर ग्रीन और मैग्नीशियम डार्जिलिंग व्हाइट। इन दोनों को तो बिल्कुल भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, याद रखना ही रखना है और सबको भी याद रखना है, लेकिन ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह था लिस्ट हमारे कलर्स का, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम लिलैक, कैल्शियम ब्रिक रेड, कॉपर ग्रीन, आयरन रेड, एल्यूमिनियम व्हाइट, मैग्नीशियम डार्जिलिंग व्हाइट। तो अब हमने बात की थी कि मेटल ऑक्साइड्स जो भी है एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। हमने बात की थी कि मेटल ऑक्साइड्स जब भी फॉर्म होंगे वो बेसिक होते हैं, लेकिन देयर आर अगेन एक्सेप्शंस हियर। फिर से कुछ एक्सेप्शन आ गए। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। दोनों शो करते हैं मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों रिएक्शन हो जाता है। किसका ये याद रखना है? एल्यूमिनियम और जिंक, इसी दोनों में ये ऐसा प्रॉपर्टी देखा जाता है, एल्यूमिनियम और जिंक। सच मेटल ऑक्साइड्स, इसको क्या नाम दिया गया है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ये दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर देंगे और बेस से भी रिएक्ट कर देंगे। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एसिड से और बेस से क्या क्या रिएक्शन होता है? अगर HCl से एसिड को रिएक्ट करा दे तो AlCl3 बनता है। बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स ट्वाइस AlCl3 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे ये बेस बन गया ना, ये एसिड और बेस दोनों मिलके एक सॉल्ट बना दिया। वहीं अगर इसको बेस से रिएक्ट कर दिया जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH से रिएक्ट करा दिया जाए, NaOH बेस है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस H2O, वाटर तो निकलेगा ही साथ में, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड से भी रिएक्ट हो गया, बेस से भी रिएक्ट हो गया, स्पेशल टाइप की चीज़ है ये। तो इसको स्पेशल टाइप की चीज़ है इसलिए स्पेशल नाम भी दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। और ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड ही होते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में होती है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट इन सम केसेस डिश डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। एल्कली किसको बोलते थे? डेफिनेशन याद है ना, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। एल्कली बोलते थे जो मेटल ऑक्साइड यस पानी में डिसॉल्व होकर के एक बेस बना दे, उसको एल्कली बोलते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन यदि पानी में वो डिसॉल्व हो जाए तो उसको अल्कली बोलते हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम सब पिछले चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, है ना। अल्कली जब बनता है तो उसका क्या होता है? हाइड्रोक्साइड हो जाता है वो। ये सब पानी से मिल करके हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2O प्लस H2O गिव्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो फॉर्म होता है ना इसको अल्कली बोलते हैं, द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर।
दैट आर कॉल्ड अल्कली। ठीक है, जब हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड बनते हैं, सारे मेटल से ऑक्साइड बनते हैं, सभी का कलर अलग अलग होता है, और भी कुछ अलग हो सकता है क्या यहाँ पे? हमने देख लिया कि मेटल को जब एयर में बर्न करेंगे तो एक मेटल ऑक्साइड बनेगा, वो एसिडिक होता है, सॉरी बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, और उसका कलर, फ्लेम का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट भी अलग अलग ही होगा। यहाँ पे उसके अलावा और कुछ भी चेक कर सकते हैं क्या? क्या लगता है, और कुछ चेक करके यहाँ पे कुछ और चेक किया जा सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे चेक हो जाता है, कितनी जल्दी रिएक्ट होता है, कौन सा मेटल है जो कितनी जल्दी रिएक्ट हो रहा है। इससे मेटल का नाम नहीं पता चलेगा, नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी पता चल, कुछ हद तक तो जानकारी मिल जाएगी ना कि इन सब मेटल्स में कोई हो सकता है, ये है ना। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट द सेम रेट, डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ मेटल होते हैं जैसे ही उसको बद जलाने की कोशिश करेंगे वो एकदम फट से आग लग जाएगी, कुछ मेटल है जिसको धीरे 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 जलाना पड़ता है, जैसे माचिस की तीली, फट से स्ट्राइक करो आग लग गई, बहुत तेजी से रिएक्ट हुआ। और वहीं फुलझड़ी आती है, पटाखे जलाए होंगे, फुलझड़ी को धीरे धीरे जलाना पड़ता है, एक बार जलना स्टार्ट हो गया तब वो जलते चले जाएगा। ठीक है, और वैसे ही कुछ और भी होता है पटाखा, जैसे फुलझड़ी खराब हो जाए, थोड़े से जलेगा फिर बुझ जाएगा, अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है, अलग अलग स्पीड से होता है। अगर पोटेशियम सोडियम की बात करें तो अपने आप इसमें आग लग जाती है, इसको जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुले में बस रख दो जल जाएगा, वो जादू, खुले में रख दो जल जाएगा। तो खुले में नहीं रख सकते हैं पोटेशियम और सोडियम को, जब भी रखते हैं हम लोग खुले में नहीं रख सकते हैं, खुले में मतलब बॉटल में बंद करके भी नहीं रख सकते, वहां पे भी जल जाएगा, उसको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। स्ट्रेंज ना, पानी में रखेंगे तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम और सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, यदि इसको पानी में रखेंगे तो पानी से रिएक्ट हो जाएगा, यदि एयर में रखेंगे तो जल जाएगा आराम से, एयर में ही जल जाएगा, तो रखे कहाँ, इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। केरोसिन ऐसे आग लगाने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे आग बचाने के काम आ रहा है केरोसिन ऑयल, क्योंकि पानी और एयर, हवा, दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं पोटेशियम और सोडियम, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट। ओके, उसके बाद एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, जनरली रूम टेम्परेचर पे या हल्का फुल्का हीट करने पे, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ईटीसी आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, उसी के ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, दिस प्रोटेक्टिव लेयर है ऑक्साइड का, जो लेयर है अब ये बाकी के मेटल को फर्दर रिएक्शन से बचा लेता है। रिएक्ट तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्साइड जो है रिएक्ट करके एयर में चला नहीं जाता है, इवोपरेट नहीं होता है, इसी के ऊपर एक कोटिंग सी बन जाएगी, और जब ये मेटल ऑक्साइड की एक कोटिंग बन गई तो अंदर का मेटल तो एयर से अलग हो गया, एयर से अलग हो गया ना, इसे पेंट का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ गया मेटल ऑक्साइड का ही। ऐसा किसके साथ होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लेड। तो इन सब का रिएक्शन स्लो होता है, इनफैक्ट थोड़ा सा जल के बुझ गया ना, थोड़ा सा आसपास में जला, आग लगी भी नहीं, फिर रुक गई। तो फ्लेम टेस्ट में इसको यूज करते हैं, तो इसको आग के ऊपर रख के जला कर चेक करना होता है। मैग्नीशियम को यदि फ्लेम के ऊपर रखेंगे तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, फ्लेम के ऊपर जब मैग्नीशियम जाएगा तब वो जल जाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा, आग में डालेंगे तो जलेगा, अल्मोनियम का भी वही है। उसके बाद आयरन, आयरन को कितना भी जला दो, कितना भी जला दो नहीं जलेगा, आयरन नहीं जलेगा, कुछ भी कर लो नहीं जलेगा वो। बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, इसका मतलब क्या हुआ, आयरन फाइलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे कण, आयरन के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको अगर बंसन बर्नर पे डालेंगे तो वो आराम से जल जाता है, फट से जल जाता है।
आयरन, आयरन का अगर कुछ भी है, मेटल का कुछ भी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, तो वो नहीं जलेगा। लेकिन आयरन के अगर छोटे छोटे कण होंगे, आयरन फाइलिंग्स होंगे, बहुत छोटे 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 होते हैं वो, उसको अगर आग में डाले जाए तो वो जल जाएंगे। कॉपर, कॉपर नहीं जलेगा, एक हल्का सा लेयर बन जाता है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का, फिर बंद हो गया जलना। थोड़ा सा कॉपर आउटर सरफेस का जलेगा और फिर रिएक्शन बंद हो जाएगा, तो कॉपर भी नहीं जलता है। सिल्वर और गोल्ड किसी हालत से नहीं जलेगा, वो तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर गोल्ड सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड। सालों साल तक रखे रहो, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो जैसा था जस का तस पड़ा रहेगा। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो हमने जो भी मेटल्स देखे उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? सोडियम। एकदम फट से जल जाएगा, उसको बचाने के लिए प्रयास करना होगा। बाकी मेटल्स को जलाने के लिए प्रयास करना होता है, ट्राई करना होता है, सोडियम को बचाने के लिए ट्राई करना होगा, तो अपने आप जलने के लिए रेडी ही है। मैग्नीशियम कुछ कम, सोडियम से कम धीरे जलता है, सोडियम से थोड़ा स्लो होता है इसका रिएक्शन, मतलब सोडियम से कम रिएक्टिव है ये। और उसके बाद हमारे पास जो मेटल्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इन सबको जला करके हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कितना रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सब हम लोग इसको जला के चेक नहीं कर सकते। कलर से चेक हो जाएगा, अगर आग में डालेंगे तो बर्न होगा, फिर उसका कलर देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन किस स्पीड से रिएक्ट हो रहा है हल्का फुल्का गर्म करके इसको चेक नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी, क्या देखी, कहाँ था कहाँ था कहाँ था, यस, मेटल्स आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब जैसे अगर ये एल्युमिनियम का मेरे पास, मान लो ये पेन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का है, इसका एयर से जब रिएक्शन होगा तो इसी के ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और वो कोटिंग फिर आगे का रिएक्शन को बचा लेगी, तो पेन तो जैसे कि तैसी बची रह गई ना। इंटरेस्टिंग है ना, रिएक्शन नहीं होगा, ऑल्दो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ एयर, एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है एयर के साथ, लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लूँ तो उसका रिएक्शन नहीं होगा एयर से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्युमिनियम का कोटिंग बन जाएगा उसका उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर वही कोटिंग उसको प्रोटेक्ट कर लेगा आगे के रिएक्शन से। तो काम की चीज़ है ना, प्रोटेक्ट कर देगा हमारे मेटल को, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग। जो मेटल है उस मेटल के ऊपर उसी मेटल ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर बन जाता है, थिक लेयर, मतलब थिक मतलब 1 इंच मोटा नहीं हुआ, थिक मतलब 3-4 मॉलिक्यूल्स मोटा हो गया, ताकि अंदर के मेटल को बाहर एक्सपोज होने से वो बचा दे। एक लेयर मोटा सा बन गया जो कि एयर से एक्सपोजर ख़त्म, तो रिएक्शन भी ख़त्म। अल्मोनियम में सबसे ज़्यादा होता है, आराम से अल्मोनियम का कोई भी मेटल लो, बहुत रिएक्टिव मेटल है अल्मोनियम, उसका कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए उसको, लेकिन जो अल्मोनियम ऑक्साइड बन जाता है वही उस मेटल को बचा लेता है, फिर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हो गया। अल्मोनियम डेवलप्स ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस अल्मोनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर करोशन, आगे करोशन से यही उसको बचा लेता है, अलग से हम लोग को इसको बचाने की जरूरत नहीं है। अल्मोनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे, या फर्नीचर देखे होंगे, या विंडो फ्रेम्स वगैरह अल्मोनियम के बचते हैं, उसको पेंट करने की जरूरत नहीं करते, अल्मोनियम अपने आप ही अपनी सुरक्षा कर लेता है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, जब जो है थोड़ा सा उसको और मोटा अगर बना दिया जाए और प्रोटेक्शन हो जाएगा ना, पूरा पूरा बच जाएगा फिर वो। इसी प्रोसेस को नाम बोलते हैं एनोडाइजिंग। अपने आप एक पतला सा लेयर बना, उसको थोड़ा सा और मोटा कर दिया गया अगर, तो पूरा प्रोटेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन अल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पता है? नहीं पता है तो मैं पिक्चर दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व एट द कैथोड, दिस रिएक्ट्स विथ अल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड।
अल्यूमिनियम लेयर कैन ईजली बी डाइड टू गिव अल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। अब अल्यूमिनियम का कलर भी चेंज हो जाता है, इसी लेयर को ऑक्साइड लेयर को अलग अलग कलर दे देते हैं। तो ये है हमारा सेटअप। अल्यूमिनियम का एनोड बना देते हैं, कैथोड किसी दूसरे मेटल का होगा या कोई भी कंडक्टर हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में इन दोनों को डिप करते हैं, बैटरी लगा दी। पॉजिटिव साइड एनोड पे जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम पे, नेगेटिव साइड कैथोड पे जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बहुत सारे रहते हैं और एच प्लस आयन्स होते हैं। एच प्लस आयन्स यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक ले लेंगे, फिर वो हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। और एनोड पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ओ एच माइनस से ये लोग इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं और फिर वो एच टू बन जाएगा, सॉरी ओ टू बन जाएगा यहाँ पे। और ये ओ टू जो है यही अल्यूमिनियम से रिएक्ट करके अल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, एक पतला सा लेयर इसके चारों बगल देखता हूँ, ये बन गया है। यही लेयर जो है एल्यूमिनियम को बाकी के रिएक्शन से बचा लेगा, अल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हो गया। तो ये था रिएक्शन विथ एयर। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ वाटर पे। ऑक्साइड बनाना था, एयर से भी ऑक्साइड बन जाता है, पानी से भी ऑक्साइड बन जाएगा। पानी से अगर मेटल का रिएक्शन होगा तो भी ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म फर्दर हाइड्रोक्साइड। हम लोग देखे अल्कली मेटल्स का, है ना, वाटर से रिएक्ट करके पहले ऑक्साइड बन जाएगा, फिर अगर ऑक्साइड भी पानी से रिएक्ट कर गया या पानी में डिसॉल्व हो गया तब वो एक बेस बना देगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा बेस। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सारे मेटल्स का रिएक्शन नहीं होगा, फिर से रिएक्टिविटी काम आ जाएगी। एयर में भी हमने देखा कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है। पानी में भी वही है, कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। तो यहां पे रिएक्शन कैसा होता है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर मेटल ऑक्साइड का वाटर से फिर से रिएक्शन हो गया तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। दो स्टेप का प्रोसेस है, मेटल प्लस वाटर एक बार मेटल ऑक्साइड देगा और यदि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो फिर से वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये सेकेंड वाला रिएक्शन जो है हमेशा नहीं होता है, किसी किसी मेटल में होता है। जैसे पोटेशियम सोडियम फटाफट रिएक्ट करेंगे, ये लोग फटाफट रिएक्ट करेंगे। हमने बात की कि इसको पानी में नहीं केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है। रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व ऑक्सीजन इमीडिएटली कैच फायर। जो ऑक्सीजन निकलता है उसमें भी आग लग जाती है। पानी से तो रिएक्ट कर ही रहा है ये। अब फिर दो स्टेप का जो था रिएक्शन दोनों को एक में ही दिखा दिया गया अब यहाँ, है ना। पहले मेटल जब पानी से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता, फिर मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता जो कि बेस होता है। तो ये दोनों स्टेप को एक ही में दिखा दिया गया है इसमें। पोटेशियम प्लस H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। सिमिलरली सोडियम का भी होगा, सोडियम प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अल्कली हैं। वहीं अगर दूसरे मेटल की बात करें, कैल्शियम की बात करें, तो रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं होता है, थोड़ा सा रिलैक्स रिएक्शन होता है। द हीट इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है इसमें। रिएक्शन क्या होगा, Ca प्लस H2O गिव CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। सेम रिएक्शन है जो पहले रिएक्शन था वही सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं जलती है तो पहले से लेस वायलेंट रिएक्शन हुआ। कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव। और क्या, कैल्शियम स्टार्च फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑन द मेटल। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ वो कैल्शियम के ऊपर ही चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है और उसके ऊपर चिपक जाता है तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। फिर क्या अजीब अजीब चीजें होती रहती है, इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती हैं। कैल्शियम मेटल स्टार्च फ्लोटिंग इन वाटर, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर, वाई, बिकॉज दिस रिएक्शन हैपेंस। और जो CaOH ट्वाइस जो बना ये तो पानी में घुल गया, लेकिन इस प्रोसेस में जो H2 गैस बनी है वो कैल्शियम मेटल के ऊपर चिपक जाएगी अब, और चिपक जाएगी तो कैल्शियम फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है,
मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एट ऑल, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नहीं ठंडे पानी से. इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग. पानी यदि ठंडा हो तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन पानी यदि गर्म हो जाए तो ये रिएक्शन हो जाएगा. और दूसरे मेटल्स की बात करेगा, अल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर ऑल्सो. ठंडे पानी से तो करेंगे नहीं, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सेम रिएक्शन होगा, लेकिन इस बार स्टीम चाहिए. H2O की जगह पे हमें क्या चाहिए? स्टीम चाहिए. आयरन के लिए भी वही स्टीम चाहिए. स्टीम जब होगा तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा. क्या कंक्लूजन आया? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, अल्मोनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, और जो बच गए मेटल्स लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये डू नॉट रिएक्ट एट ऑल. ठीक है, एक कुछ एक मेटल्स तो रिएक्ट करते ही नहीं है. ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे. ओके, बाय.